खड़ी हूँ। इसके पीछे कारण केवल यही है कि मैं तो इसमें बहुत दिलचस्प नहीं थी, मेरा मन नहीं था, लेकिन सेवा की भावना शुरू से ही मेरे मन में है। लोगों का बहुत भरपूर समर्थन था मेरे साथ। लोग बिल्कुल, लोगों के मन में था कि आप प्लीज़ खड़े हो जाएं। बहुत समय से मैं टाल रही थी, लोगों को मना भी कर रही थी कि नहीं, मैं नहीं कर, मैं इसमें नहीं जाना चाह रही हूँ, कुछ और देखूँगी। लेकिन किसी भी दल के लोग थे, चाहे वो भाजपा के थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, या अन्य किसी भी दल के जो लोग थे, किसी भी जाति के थे, सभी लोगों ने मुझे समर्थन दिया कि प्लीज़ आप खड़े हों, एक बार आप हमें, हम आपको पार्षद के पद पर देखना चाहते हैं। क्योंकि हालात इतने बदतर हैं हमारे वार्ड के, बिल और वो लगा दिए जाते हैं, और अगर आप देखें तो हालात आपके सामने हैं। तो केवल मैं सेवा के भावना से इसमें आई हूँ। यदि मुझे मौका मिला, भरपूर समर्थन आपका मिला, जनता का प्यार मिला, मेरे वार्ड के लोगों का आशीर्वाद मुझे अगर मिलता है, जो कमियां मेरे वार्ड में हैं, पहला, सबसे पहला, मैं यहीं से शुरू में आई थी इसी वार्ड को देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। तब भी मैंने हालात जो देखे थे, मुझे मन को लगा कि नहीं, मुझे खड़ा होना ही चाहिए, सेवा ही करनी है, कोई किसी भी तरह की सेवा हो, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। फिर नीचे मोगी, नंद, एकता कॉलोनी, पूरी मारी नहर कॉलोनी, जगह जगह हालात इतने बुरे हैं कि मुझे लगता है कि लोग यदि मुझे समर्थन देंगे तो मैं केवल इसमें सेवा भावना के लिए ही आ रही हूँ। मेरा बहुत बड़ी कोई ये इतनी बड़ी पॉलिटिक्स इसमें नहीं है कि हम बड़े राजनीतिज्ञ बन जाएंगे इसमें। तो मेरी जनता से अपील ये है कि प्लीज़ मुझे अपना भरपूर समर्थन दे, अपना प्यार दे, आशीर्वाद दे। आप लोगों के कहने से ही मैं खड़ी हूँ इसमें पार्षद पद हेतु। तो मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग मेरे को, जो आप लोगों ने मुझसे वादा किया है, आप लोग मुझे वोट भी इसी तरह से देंगे। तो अधिक मैं नहीं कहना चाहती हूँ, केवल इतना ही कहूँगी कि मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ। जब मैं, अगर आपने मुझे बिठा दिया इस पद पर, तो मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। और मैं पहली बार जब मैं इस वार्ड में आई थी, पूरे अपने वार्ड में घूमी, तो मेरा यही उद्देश्य था। मैं नोट कर रही थी कि कहां पर क्या क्या कमियां हैं, क्या, लोगों से भी पूछ रही थी, खुद स्वयं भी देख रही थी। अगर मुझे मौका मिलता है तो यहीं से शुरुआत होगी, जहाँ जो कमियाँ हैं वहाँ पर मैंने कमेटी बनाने का सोचा है कि हर वार्ड की 2 या 3 मेंबर्स उस कमेटी में लिए जाएंगे, और वो कमेटी वाले लोग ही अपने वार्ड के, अपनी गली के, वार्ड तो मेरा है लेकिन गली के लोगों से ही पूछा जाएगा कि आपकी क्या समस्याएँ हैं आपकी गली की, उन समस्याओं का क्या निवारण हो सकता है, वो सब मैं करवाने के लिए वादा करती हूँ। और लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू।